नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने कैबिनेट में बदलाव करने जा रहे हैं। ये बदलाव रविवार सुबह 10 बजे होगा। इस बार मंत्रिमंडल में विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रहलाद पटेल, ओम माथुर, प्रहलाद जोशी और सत्यपाल सिंह जैसे नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। पीएम मोदी के कैबिनेट में बड़े फेरबदल की खबरें अब अपने चरम पर है। केंद्रीय मंत्रियों राजीव प्रताप रूड़ी, उमा भारती, संजीव बालियान और फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार इस मामले पर टिप्पणी करते हुए राजीव प्रताप रूड़ी ने कहा कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये पार्टी का फैसला है और मैं इसका पालन करूंगा। एक सप्ताह से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सिक्योरिटी में फेरबदल किया गया। इसकी वजह लगातार जेल से आ रही खबरें बताई जा रही हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक कैदी नंबर 8647 गुरमीत राम रहीम के सेल में मौजूद दोनों नंबरदारों को बदल दिया गया है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित लालू प्रसाद यादव की विशाल रैली में अनाप शनाप खर्च को लेकर आयकर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसको लेकर आयकर विभाग ने आरजेडी को नोटिस जारी किया है और इस विशाल रैली में खर्च को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। देश में सभी राज्यों के पुलिस वालों की वर्दी में अब जल्द ही बदलाव होने वाला है। वर्दी में बदलाव का जिम्मा अहमदाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को सौंपा गया है। इस संस्थान को सभी राज्यों की पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की वर्दी नए सिरे में डिजाइन करने को कहा गया है। स्विट्जरलैंड के सहयोग से भारत टिल्टिंग ट्रेनें विकसित करेगा जो मोड़ पर एक और वैसे ही झुक जाएंगी जैसे घुमावदार रास्तों पर मोटर बाइक झुक जाती है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच आज समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बता दें कि ऐसी ट्रेनें अभी 11 देशों में चल रही हैं। हरियाणा पुलिस ने डेरा प्रमुख राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लुकआउट नोटिस जारी किया है। हनीप्रीत पर यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दोषी राम रहीम को कोर्ट से भगाने की साजिश रचने का आरोप है। दागी विधायकों और बागी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों नहीं इस प्रकार के मामलों की सुनवाई तय सीमा में की जाए। बता दें कि अभी ऐसे सांसदों या विधायकों पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। केंद्रीय गृह सचिव के रूप में सेवानिवृत्त राजीव महर्षि को भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। महर्षि 1978 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि वरिष्ठ नौकरशाह राजीव गोबा ने नए गृह सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला है। मानसून की ज्यादा सक्रियता के कारण बिहार में अगले 4 दिनों तक आफत की बारिश हो सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 1 से 4 सितंबर तक पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बिहार में पहले से ही 19 जिलों में विनाशकारी बाढ़ से आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बीजेपी के युवा नेता अमन गोयल ने सेक्टर 6 के YMCA चौक के पास ग्रीन बेल्ट में रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद अरावली और YMCA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा चलाए गए हरित हरियाणा अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमन ने कहा कि सिर्फ शानदार सड़कें ही नहीं बल्कि सड़क के दोनों ओर हरियाली भी फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जरूरी है और हरित हरियाणा अभियान में पर्यावरण मंत्री का शहर सबसे आगे होना चाहिए। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मीडिया स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के द्वारा नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में बतौर विषय अतिथि BAG नेटवर्क के चेयरपर्सन व MD अनुराधा प्रसाद, गो न्यूज के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ पंकज पचौरी, द वायर के फाउंडिंग एडिटर MK वेणु, राज्यसभा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश बादल सहित मीडिया के तमाम दिग्गज मौजूद थे। बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक अजय देवगन फिल्म बादशाहों की प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे। अजय देवगन के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, डायरेक्टर मिलर लुथरिया और इमरान हाशमी, इलियाना डिक्रूज और ईशा गुप्ता भी मौजूद थे। इस दौरान सभी कलाकारों और फिल्म के डायरेक्टर ने बादशाहों को लेकर अपनी अपनी राय मीडिया के सामने रखी। अभिनेत्री कंगना रनौत और ऋतिक रोशन एक बार फिर पुराने विवादों को लेकर सुर्खियों में हैं। कंगना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी इस मामले का अंत नहीं हुआ और ये मान लेना मीडिया की भूल है कि विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार।